बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट आज हमें चैप्टर 10 स्टार्ट करना है केमिस्ट्री का और चैप्टर 10 जो है हमारा एसिड बेस पार्ट्स का है। इस चैप्टर 10 में जो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ब्रोस्टेड क्लोरीन कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सो बेटा ये कांसेप्ट ब्रोस्टेड क्लोरीन के दो साइंटिस्ट हैं इन्होंने ये कांसेप्ट 1923 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया। अब इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू देम एसिड क्या है और बेस क्या है। सबसे पहले एसिड, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत होती है, जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। ये देखें, अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट प्रोटॉन एट पॉजिटिव आयन। उसके बाद बेस, बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एच पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर सकता है, उसे हम बेस कहते हैं। आइए यही दो बातें हम इस एग्जांपल से वादे कर लेते हैं, समझ लेते हैं। HCl NH3 के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बना देता है। अब इसमें आप देखें कि HCl ने अपना एच पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया, NH3 ने यही एच पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करके NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन बना दिया। यहाँ हमारे पास HCl एसिड और NH3 जो है यहाँ पर बेस है। उसके बाद हम कंजुगेट एसिड की बात करते हैं। कंजुगेट एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब एक बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो वो कंजुगेट एसिड बनाता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसी एग्जांपल के अंदर कि जब NH3 ने HCl से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो इसने कंजुगेट एसिड बना दिया। सो कंजुगेट एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो बेस की मदद से बनता है। बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करे तो कंजुगेट एसिड बना देता है। इसी तरह हम कंजुगेट बेस की बात करें तो जब एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है तो कंजुगेट बेस बना देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HCl ने अपना प्रोटॉन NH3 को डोनेट किया तो इसने Cl नेगेटिव आयन बना दिया, क्लोराइड आयन, जो कि कंजुगेट बेस है। सो यहाँ पे ये बात अखद हो गई है कि कंजुगेट एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बेस की मदद से बनता है और कंजुगेट बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड की मदद से बनता है। उसके बाद अब यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड के तौर पर भी एक्ट करता है और बेस के तौर पर भी एक्ट करता है। सो इसमें हम एग्जाम्पल के साथ ये बात वाजे करेंगे कि हमारे पास वाटर जो है, वाटर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। यहाँ पे वाटर एसिड के तौर पे भी एक्ट करते हैं हम दिखाएंगे और बेस के तौर पे भी वाटर कैसे एक्ट करता है वो भी हम दिखाएंगे। सो यहाँ पे एसिड जो है वाटर H2O जब एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे अपना जो है एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्लोरीन कांसेप्ट कांसेप्ट इस बात का पता है कि जो चीज प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है वो बेस कहलाती है। तो यहाँ पे वाटर ने बेस के तौर पे एक्ट किया। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरी एग्जांपल पे देखते हैं कि वाटर और अमोनिया का यहाँ पे रिएक्शन है। यहाँ पे वाटर जो है अपना एक प्रोटॉन अमोनिया को डोनेट कर देगा और अमोनिया NH4 पॉजिटिव आयन बना देगा। यहाँ पे वाटर ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया है तो यहाँ पे वाटर ने एसिड के तौर पे एक्ट किया है। और यहाँ पे हमारे पास है इसकी कुछ लिमिटेशन है इस कॉन्सेप्ट। सो इसमें लिमिटेशन ये है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड और बेस के तौर पे एक्ट करते हैं बट उनके अंदर प्रोटॉन डोनेट और एक्सेप्ट करने की सलाहियत नहीं होती। लाइक SO3 एसिड के तौर पे एक्ट करता है और CaO बेस के तौर पे एक्ट करता है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर।